नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भविष्य नक्षत्र में। इस चैनल पर आने वाले सभी राशिफल और योग या फिर मुहूर्त जानने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल भविष्य नक्षत्र को और लाइक करें इस वीडियो को। पहले से ही संतान के योग इस साल कब बन रहे हैं, किन राशियों के बन रहे हैं जो कि इस साल संतति को प्राप्त कर ही जाएंगे, कौन कौन सी वे राशियाँ हैं और साथ ही साथ कब वे योग बनेंगे, यह भी इस वीडियो में आप जान जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, बेल आइकन नहीं दबाया तो सबसे पहले वह दबा दें और सबसे पहले आप जय माँ अहोई ज़रूर लिख दें कमेंट बॉक्स के अंदर। अहोई माता की आप पूजा यदि नहीं करते हैं, बरसाते यदि नहीं करते हैं, तो ये दोनों व्रत आपको ज़रूर करने चाहिए। और क्या इनको करने की विधि है, यह आपको चैनल में पहले से ही वीडियोज़ दे रखे हैं, इनको ज़रूर देख लें। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को भविष्य नक्षत्र को, और उसके साथ ही साथ आप अन्य वीडियोज़ भी देख पाएंगे जो कि ज़रूरी हैं संतान प्राप्ति के लिए, संतति के लिए। इन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, सकट चौथ के वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। आइए आ जाते हैं आज के वीडियो पर सीधे सीधे कि कौन सी वे राशियां हैं जिनको 2023 में संतति प्राप्त होने वाली है। वे दंपत्ति जो कि काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं संतान की प्राप्ति का या पुत्रधन की प्राप्ति का, उनके लिए खास यह वीडियो है। पहले बताते हैं संतान योग कब बन रहे हैं, उसके बाद उसमें भी पुत्रधन योग के कब योग बनेंगे यह भी बता देते हैं आप सभी को, किन राशियों में यह योग बन रहे हैं यह भी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो साल के अप्रैल माह के अंदर गुरु का गोचर हो रहा है मीन राशि से चलकर मेष राशि में गुरुदेव आने वाले हैं। तो मीन राशि वालों के लिए सर्वप्रथम योग बन रहे हैं 22 अप्रैल से पहले के, जिनको कि किसी भी प्रकार से संतति प्राप्त नहीं हो रही थी, यदि वे प्रयासरत हैं किसी भी प्रकार से संतान की प्राप्ति के लिए, तो उनके लिए विशेष योग बन रहे हैं अप्रैल माह से पहले पहले। तो वे महिलाएं जो अभी तक संतानहीन थीं, उनको संतान धन की प्राप्ति हो सकती है अप्रैल माह से पहले, यदि मीन राशि से संपर्क आप रखते हैं या गुरुदेव की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। तो यदि मीन में बैठे हुए गुरु देख रहे हैं तो वो किनको देखेंगे, मीन राशि से शुरू हो जाते हैं। पांचवी कौन सी राशि बनेगी मीन, अगर 12 में है तो एक नंबर हो गया दूसरे घर में, तीसरे घर में हो गया हमारा वृषभ, फिर मिथुन, फिर आपका कर्क राशि। कर्क राशि के लिए भी विशेष संतति योग बनेंगे, कब बनेंगे, अप्रैल माह से पहले पहले। तो आप किसी प्रकार से प्रयासरत थे या फिर आपको संतान की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता अब अपने घर में फील होने लग गई है कि आपके घर में भी किलकारियाँ दौड़े गूंजें, तो आपके लिए किसके लिए, मीन राशि के लिए और कर्क राशि दोनों के लिए बहुत ही अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद के वक्त के लिए देखा जाए तो गुरुदेव आकर बैठ जाएंगे किस राशि में, मेष राशि में। तो मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2000 बाद के योग बन रहे हैं, पूरे ही साल यह योग रहेंगे और इनमें भी आपको बहुत ही अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस राशि के लिए, आपका अगर पंचम देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष योग संतान संतति के लिए, जिन दंपत्ति प्रयास कर रहे थे या फिर आपको अपने घर में संतान की प्राप्ति ही नहीं थी, चाहे लड़का हो या लड़की अभी तक संतान ही नहीं थी, आपको भी सिंह राशि वाले और मेष राशि वाले दोनों को 22 अप्रैल के बाद से विशेष फायदे संतान की उत्पत्ति में मिलने लग जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके घर में भी किलकारी गूंजेगी, नन्हा सा मेहमान आपके भी घर में आकर खेलेगा आपके बरामदे में और आपको थोड़ा सा तंग भी करेगा, तो बहुत ही मज़ेदार वह लाइफ हो जाती है जब हमारे घर में एक छोटी सी जान आ जाती है। इसके बाद अगर देखें कि कब और किस किस राशि का पुत्रधन योग बन रहा है, किसको पुत्रधन की प्राप्ति होने वाली है, वह इस वीडियो में आप आज जान जाएंगे कि धनु राशि विशेष इफेक्ट रखने वाली है, ख़ास तौर से अगस्त माह के अंदर। अगस्त माह में भी 5 अगस्त के बाद से यदि आप देखें तो भगवान शिव का यह सावन का महीना आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। भगवान श्री गणेश के रूप में छोटा सा बालक अब आपके घर में भी खेल सकता है, यदि आप संतान की प्राप्ति के लिए सोच रहे थे और यदि किसी प्रकार से आप संतान की संतति को 5 अगस्त के बाद देख रहे हैं, तो वह संतान पुत्रधन योग भी हो सकती है। इसके लिए आप विशेष कृपा माने तो गुरु ग्रह की माने, जो कि आके पंचम में बैठ जाएगा, धनु से पंचम बैठेगा गुरु ग्रह आके, और भाग्य स्थान पर भी आपको मंगल देव मिल रहे हैं, यानी कि दोनों ही आपको मेल ग्रह मिल रहे हैं, आपको फीमेल ग्रह मिल रहा है गुरु, तो वह संतति के लिए फायदा देगा, और भाग्य में आकर बैठ रहा है आपके मंगल, तो आपको विशेष फायदा देगा पुत्र धन की प्राप्ति में। तो ये दोनों फायदे लेने के लिए धनु राशि वाली यदि आपकी पत्नी है या पतिदेव हैं आपके, या फिर किसी धनु राशि वाले से आप आशीर्वाद प्राप्त करके
जो भी आपको पुत्र धन प्राप्ति चाहिए तो लगातार उनसे भी बना कर रखें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा धनुराशि वालों से आप बना कर रखेंगे आपकी पुत्र धन प्राप्ति की उतनी ही सीमाएँ बढ़ जाएंगी। आपके घर में भी नन्हा बालक खेले, संतान आपके घर में भी हो जाए, ऐसी मनोकामना हमारी पूरी हो जाए, उसके लिए जय माँ अहोई ज़रूर लिख दें कमेंट बॉक्स में जाते जाते, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें, लाइक करें इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लगातार बने रहें चैनल भविष्य नक्षत्र के साथ, और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम भविष्य नक्षत्र पर। धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए इतना ही, राधे राधे।